दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं हमारे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ जो आपकी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल देंगे। पर टॉपिक पर जाने से पहले ऐसी और हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा लिंग की लंबाई और मोटाई बढ़ाने के आसान और सुरक्षित तरीके। दोस्तों अभी हाल ही में हुई रिसर्च में जब महिलाओं से ये पूछा गया कि क्या वो औसत दिखने वाला आदमी जिसका लिंग बड़ा हो उसको पसंद करेगी या एक होट से लगने वाले स्मार्ट से लगने वाले आदमी को जिसका कि लिंग छोटा हो, तो उस रिसर्च में महिलाओं का ये जवाब था कि हम बड़े लिंग वाले आदमी को पसंद करेंगे चाहे वो दिखने में औसत ही क्यों ना हो। और 19% महिलाओं का जवाब था कि हम गुड लुकिंग आदमी को पसंद करेंगे। तो इससे हमारे टॉपिक के इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि साइज कितना मैटर करता है। तो दोस्तों अब हम ये जान गए हैं कि महिलाओं की लिंग की साइज पर क्या राय है। निश्चित रूप से हर महिला को बड़ा लिंग ही चाहिए और कहीं ना कहीं यही विचार हमारे मन में भी रहता है। जब हम हमारे छोटे लिंग को देखते हैं तो एक हीन भावना सी मन में आ जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस जाता रहता है और हम खुलकर सेक्स का मज़ा नहीं ले पाते हैं। तो आपकी इसी समस्या का समाधान आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें जैसे लिंग का आकार बढ़ाने के आसान तरीके जो हैं, जो एक्सरसाइज के थ्रू हम आपको बताएंगे किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और कैसी नहीं करनी चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा जो पहला स्टेप है वो है वार्मिंग अप का। जैसे खेलों की तरह इसमें भी हमें वार्म अप होना होता है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। मतलब वार्मिंग अप बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस चीज़ को करने से पहले जो कि महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको वार्म अप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसका एक कारण है, कारण यह है कि वार्म अप होने से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आगे कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है, इसको अच्छे से समझ लें। सबसे पहले एक धुला हुआ साफ टावल या कपड़ा लें, फिर इसको गर्म पानी में डुबो लें और फिर इसको अच्छे से निचोड़ कर सारा पानी निकाल दें। अब इसको लिंग के चारों तरफ लपेट दें और ऐसा करीबन 15 मिनट तक इसको लपेटे रखें। 15 मिनट तक लपेटने के बाद जब ब्लड फ्लो बढ़ गया और वार्म अप हम हो गए तो फिर इसको हटा लें और ऐसा कम से कम जब वो करें 15 मिनट तक आपके करने के बाद जब आपने कर लिया है तो अब इसको सुखा लें और ध्यान रखें ज़्यादा गर्म गर्म भी टावल को ना लपेटें, कहीं आप जल ना जाएं। यह हमारी जो लिंग को बढ़ाने की एक्सरसाइज है उसके 5 मिनट पहले कर लें। हर बार जब भी आप एक्सरसाइज करें तब ऐसा ही करें। ऐसा करने से लिंग की नसों में खून का दौड़ाव तेज होता है और लिंग की चमड़ी भी लचीली हो जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है उसकी, और एक्सरसाइज के दौरान आपकी पकड़ या ग्रिप बनाने में भी ये मदद करता है। स्टेप 2, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन यानी चिकनाई। चिकनाई जिसको हम लिंग पर चिकनाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसका कारण है कि एक्सरसाइज के दौरान रगड़ से बचा जा सके, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान जो स्ट्रेचिंग वगैरह की एक्सरसाइज जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं उसमें अगर जो लुब्रिकेशन का यूज़ नहीं किया जाए तो रगड़ से कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो एक्सरसाइज आराम से इससे हो जाएगी क्योंकि चिकनाई लगा लेने के बाद वो चमड़ी जो है लचीली हो जाती है। इसके अलावा तेल की चिकनाई के साथ एक्सरसाइज करने से खून का बहाव भी तेज होता है, सही चिकनाई से सही रहता है, एक्सरसाइज सही होती है और चमड़ी का लचीलापन बढ़ता है और एक्सरसाइज में आसानी होती है। तो हम किस तरह का जो चिकनाई है या तेल है वो हम इसमें इस्तेमाल करें ज़रूरी है ये भी जानना। तो बेस्ट जो मेरे दिमाग में जो बेस्ट चीज़ है वो है ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल जिसे हम जैतून के तेल के नाम से भी जानते हैं बहुत ही मुफीद होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इस तरह के काम के लिए, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गाढ़ा होता है, इसलिए एक्सरसाइज के दौरान कोई रगड़ भी नहीं हो पाती है। तो हमारा थर्ड जो स्टेप है, चलो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, उसमें है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग से तात्पर्य यहाँ लिंग की स्ट्रेचिंग या उसको खींचने से है, जिससे कि लिंग के अंदर का लिगामेंट लंबा हो जाता है और उससे अंततः लिंग की लंबाई में वृद्धि होती है, समझे। तो लिगामेंट के बढ़ने से लंबाई बढ़ती है। इस तकनीक से एक्सरसाइज करने का उद्देश्य है लिंग
को तनाव में रखने वाले उत्तकों में खिंचाव उत्पन्न करना, जो कि हम लिंग की त्वचा को खींच कर उत्पन्न करते हैं। जब लिंग खड़ा हो उससे लिंग की त्वचा का लचीलापन भी बढ़ता है। यह लिंग के अंदर कोष्ठों में जब जगह बढ़ाता है, यानी जो चैम्बर्स होते हैं अंदर उनमें जगह बढ़ाता है, जिसे हम कॉर्पोरा कार्बिनोसा के नाम से भी जानते हैं, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ये, जिससे इन कोष्ठों में ज़्यादा खून भरता है। तो इसके फायदा होता है कि जितना ज़्यादा खून इन चैम्बर्स में भरता है उतना ही ज़्यादा ये लिंग की साइज़ बढ़ाने में मददगार साबित होता है। तो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स बहुत ही आसान है, बस आपको लिंग के मुंड के नीचे से पकड़ना है तथा खींच करके रखना है, जिसको हम ओके साइन की तरीके से हम इसको पकड़ सकते हैं, जो हाथ को, और उसको ध्यान रखें कि मुंड के नीचे से ही पकड़ना है। और इस तरह से आपको इसको फिर खींच के रखना है थोड़ी देर के लिए, करीबन 30 से 40 सेकंड तक, और इसको सामने, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अलग अलग दिशाओं में ऐसा ही करना है, और करीबन 2 से 3 बार या चार बार आप कर सकते हैं। ये सेट हम 4 बार हर दिन दोहरा सकते हैं, और ये एक्सरसाइज वार्म अप के बाद ही करनी है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। और जो दूसरा जो तरीका है, जिसको हम जेलकिंग टेक्निक के नाम से भी जानते हैं, या मिल्किंग टेक्निक उसको बोलते हैं, जिसमें जैसे कि गाय को या भैंस को दुहा जो जाता है उसी तरीके को उसमें काम में लिया जाता है। यह बहुत ही अप्रूव्ड तरीका है, जो कि काफ़ी वर्षों से काम में लिया जा रहा है। और इससे क्या होता है कि खून का फ्लो बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, और खून का फ्लो बढ़ने से कोष्ठ बड़े हो जाते हैं, कोष्ठ बड़े होने से अंततः लिंग के आकार में काफ़ी वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं, और नीचे कमेंट्स में लिखें, और पसंद आए तो लाइक करें, और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।